अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सासरवा खान और आप देख रहे हैं सासरवा खान यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि हमें अपनी यूट्यूब की वीडियो में मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शो कराना है, मोबाइल ऐड करना है, तो हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ कुछ इस टाइप का, या इसके अलावा पूरी स्क्रीन पर सिर्फ मोबाइल शो करना है तो उसका क्या तरीका कर रहे हैं, हम इसे कैसे अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो यार, जब हम आप एक साइड से बोल रहे होते हैं, आपके हाथ में मोबाइल होता है, और दूसरे साइड से आप जैसे भी कह रहे होते हैं वैसे मोबाइल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, तो यार काफ़ी अच्छा लगता है। तो यार, अगर मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊं तो मैं भी जब YouTube में आया था, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था कि यार मोबाइल को अपने वीडियो में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब कि काम करने के बाद यूट्यूब पर ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, तो अब मुझे पता है और अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो इसको कैसे ऐड करना है आपने और किस तरह से करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना, कंप्लीट ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन रह जाएगा। तो चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर आपका दिल करे तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आप भाई के व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो मेरा सेकंड चैनल है सासरवा व्लॉग, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में आपने जो काइन मास्टर को इंस्टॉल किया हुआ है उसे आपने ओपन कर लेना है। तो जैसा कि अभी मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है, अगर है तो वो वाटर मार्क वाला है, और आप ये चाहते हैं कि लेटेस्ट और विदाउट वाटर मार्क वाला मुझे काइन मास्टर चाहिए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यूट्यूब वीडियो के लिए हम 16:9 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने फेस कैम में बनाई है, ठीक है, या इसके अलावा कोई और वीडियो तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ कि दो मेथड से आप किस तरह से और कैसे मोबाइल स्क्रीन को आप ऐड कर सकते हैं। तो इधर से मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने फेस कैम में बनाई है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी है। तो वीडियो देखने के बाद मैंने मान लो कि यहाँ से मैंने कहा है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं क्लिक करके इस कैंची के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और सिपलेट एट प्ले हेड भी मैं कर सकता हूँ, और सिपलेट टू राइट ऑफ प्ले हेड, सॉरी ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं सिपलेट एट प्ले हेड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वीडियो अब दो पार्ट में तकसीम हो गई है, ठीक है। अब इसमें मुझे अपनी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना जो अभी वो आपको ऊपर ऊपर देखने को मिले, इस पर आपको क्लिक करना है, और काइन मास्टर के बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। तो इधर से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद अगर आप ये काइन मास्टर के बाय डिफ़ॉल्ट जो इधर बैकग्राउंड दिए हुए हैं ये यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपनी तरफ से कोई भी बैकग्राउंड में पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसे आपने किस तरह से करना है, इस मीडिया के ऑप्शन में चले जाना, और अगर वो आपने जिस भी फोल्डर में उसे आपने रखा है तो उधर से आपको जैसे हमने बैकग्राउंड का सिलेक्ट किया वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी लेंथ आपको थोड़ी इंक्रीज कर लेनी है जितनी आपकी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसकी लेंथ मैं थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, तो चलिए जी, इसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, तो मैं इससे ऊपर ओके करता हूँ। तो देन आपको क्या करना है, इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन में चले जाना है, और देन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इधर से सिलेक्ट कर लेना है जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है। अगर आपको मोबाइल के लिए अच्छे से अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो कौन सा है, और इसे आपने किस तरह से यूज़ करना है, और मोबाइल की स्क्रीन को कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, तो उसकी मेरी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसी तरह से उसे रिकॉर्ड कर लेना है। तो चले जी, अब मैं रिकॉर्ड की हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद इससे इसकी मदद से आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी राइट साइड से आपको इधर क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर मैं क्लिक करके ऊपर वाला जो थोड़ा सा पार्ट है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी मर्ज़ी अगर आप ना करें तो, ठीक है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ओके। इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैं इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मीडिया के ऑप्शन में मैं चला जाता हूँ, और आपको मोबाइल के फ्रेम ऐड करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको काफ़ी सारे मोबाइल के मतलब PNG फ्रेम दिए हुए हैं, अगर आप इधर से यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ये चाहते हैं कि हम इसके अलावा कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में सब कुछ बता दूंगा। तो इधर से मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, सॉरी, जैसे मैं PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
सिलेक्ट करने के बाद इसकी अब बैक साइड पे ग्रीन स्क्रीन है, इसे हमने रिमूव करना है। इसे रिमूव करने के लिए आपको इधर क्रोमा की ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे आपने अनेबल करना है और इसे आपने ऊपर वाले को कर देना है 30 पर और नीचे वाले को कर देना है आपने 70 या 70 से थोड़ा कम, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बड़ा करने के बाद ऐसे पता चले कि ये जो मोबाइल है इसे बाद में हमने ऐड नहीं किया, इस तरह से पता चले, एक प्रोफेशनल सी लुक दे, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इस रिकॉर्डिंग के ऊपर ठीक से एडजस्ट हो सके। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस रिकॉर्डिंग के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट से ऐड हो गया, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल अब परफेक्ट ऐड हो गया। इसके बाद इसकी लेंथ को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जितनी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उतना आपको इतना इस नीचे फ्रेम को आपने इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मान लो कि आपकी यहाँ तक है, तो आपको बाकी जो पार्ट है राइट साइड से वो बिल्कुल ख़राब है, उसे आपने रिमूव करने, तो उस कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे ट्रिम टू राइट अपलेट भी कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड है इसे आपने यहाँ तक मतलब रिमूव करने राइट साइड से सब कुछ, क्योंकि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही इतनी है, तो ट्रिम टू राइट अपलेट इसे भी आपने वैसे ही कर देना है जैसा कि आपने पहले मोबाइल की स्क्रीन को किया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपने की है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर, पहले आपने मतलब कहा सारा कुछ, मैं आपको ये कुछ बताने वाला हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, फिर आप उन्हें मोबाइल की स्क्रीन में ले गए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आपको किस तरह से ऐड करना है। इसके बाद ये है आपका एंड वाला पार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ये सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको हो गया क्लियर, इसके बाद दूसरा मेथड ये है कि आप फेस कैम में भी हैं और आपको मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शो करनी है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे बिल्कुल शो हो। इसके लिए मान लो कि आपने यहाँ तक कहा है आपको ये कुछ करना है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर अभी शो करा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको वहीं पर प्लेहेड को ले जाना है, ले जाने के बाद जैसे कि अभी मैंने किया हुआ आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन में चले जाना और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि अभी मैंने किया हुआ मान लो इतना पार्ट ही आप शो करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इतना पार्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक, तो इसे मैं कैंची पे क्लिक करके राइट ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट यहाँ तक मैं कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं इसे थोड़ा राइट साइड से कर देता हूँ और इसको क्रॉपिंग कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, ये फालतू पार्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देन आपको यहाँ तक ले आना, इसके फर्स्ट पे यहाँ पर लेकर आपको लेयर पर अगेन क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन में चले जाना और इधर से आपको PNG सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल PNG ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे क्रोमा की ओपन करना है, इसे अनेबल करना है और इसे आपने 30 तक कर देना है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अभी आप देख सकते हैं जो मोबाइल स्क्रीन शो हो रही है इसमें ग्रीन वाला पार्ट है, तो इसे हम रिमूव करने के लिए इसे यूज़ करते हैं और क्रोमा की को हम इसे ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसे आपने कम ज़्यादा करके ये देख लेना है कि आपका ये जो मतलब फ्रेम है ये भी रिमूव ना हो, ठीक से नज़र आ सके, ठीक है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसे बड़ा छोटा आपने कर लेना, जितनी रिकॉर्डिंग है उतना ही आपको कर लेना, ओके, मैंने इसके ऊपर इसे एडजस्ट कर लिया। तो अभी ऐसे पता चल रहा है कि इधर एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है हमने ये फ्रेम बाद में ऐड किया या अभी ऐड किया। तो भाई इसकी लेंथ को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना जितनी आपकी रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने फिर अगेन यहाँ मोबाइल को शो करना है तो उसके लिए आपको अगेन यही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने ऐड कर लिया मोबाइल स्क्रीन को, तो आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है, तो इसके लिए आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इसकी एक्सपोर्ट साइज सिलेक्ट करके रेजोल्यूशन फ्रेम साइज आपको जो है 30 का रखना होता है और उसका मतलब फुल HD में रखना चाहते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे तो वो आप रख सकते हैं, तो देन आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जो ही आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी वो वीडियो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि आपको मतलब कि काइन मास्टर कहाँ से डाउनलोड करना है। काइन मास्टर डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आपको PNG मोबाइल फ्रेम कहाँ से डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है नो कॉपीराइट मोबाइल फ्रेम, PNG मोबाइल फ्रेम नो कॉपीराइट मोबाइल PNG फ्रेम, ये लिखकर आपको सर्च करना है, ठीक है। तो जो ही आप सर्च करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे फ्रेम आ जाएंगे, तो इन्हें आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं।
फिर बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ऑलरेडी किया हो तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल करें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।